शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विल टेक एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट स्कूल वायलेटिंग गवर्नमेंट नाम स्कीना इटू। ये जो खबर है ये आम जनता के लिए, खासकर अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए, जिनके बच्चे स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर लगातार पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर ने आवाज़ उठाई थी। कई हद तक पेरेंट्स ने साथ भी दिया था और कई जगहों पर पेरेंट ने साथ नहीं दिया था। बोलना सब चाहते थे पर कहीं ना कहीं लोग इस डर से कि हमारे बच्चों के सत्कल को, उनके पढ़ाई को लेकर, उनके मार्क्स को लेकर छेड़खानी ना की जाए जिससे उनके भविष्य जो ताक पे आ जाए, तो इसी के चलते लोग जो थे अभिभावक चुप रहते थे। उसी के चलते एक बड़ा बयान जो कि सकीना इटू जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी यानी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब को किस तरह से आप देखेंगे कि पहले भी कई बार ऐसे वायलेशन हो चुके हैं पर सरकार ना, चुनिंदा सरकार ना होने की वजह से लोग सड़कों पर धरने प्रदर्शन करते ही रह जाते थे। लगातार आप देखते हैं जो ही सेशन शुरू होता है तो कई स्कूल जो नाम्स को फॉलो भी करते हैं पर कई लोग नाम्स और क्राइटेरिया की धज्जियां उड़ाते नज़र आते हैं। सबकी बात नहीं कर रहे पर जो लोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कई बार हमने लाइव विजुअल्स भी बताए हैं कि जो प्रदर्शन थे प्रदर्शन तक ही रह जाते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। वहीं पर अब नई सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला जी ने और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने लगातार अब लगाम कसना शुरू कर दी है। उसी के चलते बताना चाहेंगे शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने मंगलवार को कहा कि सरकार उन निजी स्कूलों की जाँच करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी नाम्स का जो उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे सकीना इटू ने कहा कि सरकार ने ट्यूशन और अन्य शुल्क को वसूलने के संबंध में पहले नियम और मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं, यानी पहले नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि कितनी एनुअल चार्जेस होनी चाहिए या ट्यूशन फीस स्कूलों में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों का नियमन सरकार द्वारा किया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन कर फीस बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो FFRC का जो कहेंगे अप्रूवल था, जो अमित कपूर थे जिन्होंने काफ़ी बार आवाज़ उठाई थी कि अगर FFRC का स्कूल, जिस स्कूल ने अप्रूवल लिया होगा वो उसी उतनी ही फीस लेगा जितनी कि FFRC के तरफ से उन्हें अप्रूवल लिया होगा, स्कूलों को मिला होगा, उससे ज़्यादा वो एक रुपया भी नहीं ले सकते। पर उसके बाद धड़ल्ले से आपने देखा कि अप्रूवल्स के लेने के बाद भी धड़ल्ले से उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। वो हमने कई बार आपके समक्ष रखा, कई लोगों को परेशानी भी तकलीफ भी होती जब हम इस तरह की खबर देते हैं। पर अब चुनिंदा सरकार है, अब सुनने वाले लोग हैं, अब मंत्री हैं, अब उमर अब्दुल्ला भी हैं, पूरी नजर रखे हुए हैं। और वहीं पर अगर बताने अब जो शिक्षा मंत्री है सकीना इटू ने साफ तौर पर कहा है जो भी प्राइवेट निजी स्कूल जो भी इन नाम्स और क्राइटेरिया का उल्लंघन करेगा उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि निजी प्राइवेट स्कूलों का विनियमन सरकार द्वारा किया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन कर फीस बढ़ाना, यानी कि अगर आप नियमों के उल्लंघन करके फीस बढ़ाने का काम करते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा यदि कोई निजी स्कूल सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को मानदंडों के खिलाफ काम कर रहा है तो संबंधित अधिकार तदनुसार जांच करेंगे, उन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यह साफ तौर पर सकीना इटू का कहना है जो शिक्षा मंत्री है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी स्कूल जो कि रूल्स और नॉर्म्स के जो फ्रेम किए गए गवर्नमेंट के द्वारा उनके खिलाफ या ये उनके खिलाफ कोई ऐसी काम करेंगे तो अथॉरिटी जो है वो उन्हें एग्जामिन करेगी और साथ साथ उन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ साफ तौर पर कार्रवाई होगी, उन्हें कानूनी दायरे में लाया जाएगा। ये बड़ी खबर है, रात बड़ी खबर है, क्योंकि कोई आपके लिए आवाज़ उठाए तब उठाएगा, अगर कोई कितनी देर आपके लिए आवाज़ उठाएगा जब आप खुद जागरूक नहीं होंगे अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए। जनता जब तक खुद जागरूक नहीं होगी कोई आवाज़ आपको इतनी बुलंदी से आवाज़ नहीं उठाएगा। आप आएंगे तो आप अगर एक कदम उठाएंगे तो आपके साथ 10 कदम और आ जाएंगे। ये आपका कलेक्टिवली इशू है क्योंकि हर साल की तरह वही शोर शराबा शुरू हो जाता है पर जब समय होता है आप लोग चुप करके अपने घरों में बैठ जाते हैं या कोई आवाज़ नहीं उठाता। अरे कोई अगर आपकी आवाज़ उठा रहा है तो कम से कम उसका
बता तो दीजिए हमारे जम्मू वासियों की, ये शायद कहने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा या आप लोगों को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, हमारे यहाँ का काम ही यही है, जब भी कोई आवाज़ उठाता है कोई जेन्यून मुद्दे को लेकर, या तो लोग उस सियासत के साथ जोड़ देते हैं या ये कहते हैं अपने मुफाद के लिए कर रहा है। अरे उसकी उसका बैकग्राउंड तो जानिए, उस तथ्यों को तो जानिए जिस तथ्यों को लेकर वो सामने आ रहे हैं कि वाकई उनके बच्चे भी उन्हीं क्लासेस में पढ़े या उनके बच्चे बच्चों के लिए करें किसी और के लिए करें, यानी अगर वो कलेक्टिवली किसी का जनता के लिए जनरल इशू को उठा रहे हैं तो हमें भी उनका ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, कहीं कोई भी हो। तो सबसे बड़ी बात, जब तक जनता अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो कोई भी आपके लिए ना ही आवाज़ उठाएगा ना कि आवाज़ को बुलंद करेगा, ये साफ तौर पर हम कह रहे हैं। हर साल हम भी आपको कवर करते हैं, हर एक जू ही सेशन होता है शुरू तो किताबों की दुकानों के बाहर, स्टेशनरी की दुकानों के बाहर कई बार हमने कवर किया, पेरेंट्स वहाँ पर रोते भी लगते आ जाते हैं, पर जब सच में साथ देना होता, जब आपको लगता है हमारी आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए या कि एडमिनिस्ट्रेशन तक जानी चाहिए, तब आप लोग निकलते नहीं घर से बाहर, तो फिर खुद बताइए, तो फिर या तो सही है चुप रहिए, जितनी भी होता फीस बढ़ोतरी होती है तो करिए, ये आज वही उसी चीज़ का आज ये कहीं ना कहीं रिवर्ट मिल रहा है आपको कि जो लगातार आवाज़ उठी थी कि प्राइवेट स्कूलों की लगातार मनमानी जारी है, लगातार सेशन शुरू होते ही किताबों के लेकर, अगर यूनिफॉर्म्स को लेकर और उनके बैग को लेकर, इवन के टिफ़न और पेंसिल बाग को लेकर स्कूलों में जो बिक्री का काम और जो वहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं और लोगों को बिना जो बुक्स नहीं भी लगी होती, पेरेंट्स को अभिभावकों को उन्हें प्रेशराइज किया जाता कि आप ये किताबें खरीदें, सबकी हम बात नहीं करें पर जो लोग जो स्कूल वाले ऐसा करते हैं, तो अब साफ तौर पर शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कह दिया कि अब स्कूलों पर पूरी तरह से निगरानी होगी, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा और जो भी मानदंडों का खिलाफत करेगा, नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया के खिलाफ चलेगा जो सरकार द्वारा बनाए गए, तो उन पर कार्रवाई भी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जितने भी अभिभावक पेरेंट्स सुन रहे हैं, कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों से ज़्यादा फीस ली जा रही है, सबसे पहले हमने पहले ही आपको कहा था कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप जाते हैं तो उन्हें पूछिएगा, ये माता पिता का काम है, हमारा नहीं या किसी और का नहीं, ये आपका काम है, उन्हें पूछिए कि FFRC का आपके पास जिसे जो फीस स्ट्रक्चर तय करता है स्कूलों का वो विभाग, क्या उनका आपके पास अप्रूवल है, तो अगर अप्रूवल है आप बताइए, जितना भी अप्रूवल होगा 300 फीस 400 500 जितनी भी होगी उससे ऊपर वो एक रुपया भी आपसे नहीं ले सकते। तो देखिए कई स्कूल तो कहेंगे हमारे पास अप्रूवल नहीं है, अगर नहीं है आपसे ज़्यादा फी ली जाती है कुछ ऐसा करते हैं तो आप तुरंत हम तक पहुँचिए, हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करेंगे। फिलहाल आपको वीडियो जो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।